So class 8, ready for the next question. It's example 6 from the chapter Compound Interest and the book is M.L. Agarwal. Okay, and I'm your Nandini ma'am. Chaliye, start karte. First of all, have a look at the question. Calculate the simply interest nahi hai. It is simple interest, okay? It is a typing mistake. So it is simple interest, okay? Chaliye. On ₹25,000 for 2 years at 10% per annum. Clear hai? यहाँ तक तो क्वेश्चन पढ़ के सबकी बाचे खिल गई. अरे सिंपल इंटरेस्ट, ये तो सिंपल काम है. लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या है. ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट. लो दे दिया झोल. मतलब सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालने से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. तो वो कैसे करेंगे अक्षता, आप मुझे बताओगे? यस अक्षता, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. तो आप मुझे बता सकते हो हम कैसे करें बेटा? आई एम जस्ट राइटिंग द गिवन थिंग्स, जस्ट टेल मी द फॉर्मूला. यस बेटा, अरे कौन बता रहा है? मैम क्या है? हाँ जी आप बताओ. मैम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन 100. यस, अर्नव का फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो फिट हो ही गया है ना अर्नव? बहुत देर से लगा हुआ था अर्नव इस फॉर्मूला को फिट करने के लिए. चलो आ जाओ. सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो अगेंस्ट पी वी आर गोइंग टू राइट 25,000 इनटू 10 इनटू 2 ओवर 100, राइट? सो 10 गोज हियर, 10 गोज हियर, सो इट विल बी रुपीज 5,000, राइट, एज द सिंपल इंटरेस्ट. अब ये तो हमारे पास आ गया, हमने फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कैलकुलेट कर लिया है. अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि भाई क्या आप डिफरेंस निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में. हमने जल्दी जल्दी में हामी तो भर दी, ये नहीं सोचा कि यार ये तो बहुत लंबा वाला काम होने वाला है ना, इसमें लंबे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. पर मुझे लगता है अब आप परफेक्ट हो चुके हो. तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, एज यू ऑल नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट. ठीक है जी, तो वैल्यूज आपकी सेम है. ठीक बेटा, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से. चलो, सो अगेंस्ट पी वी आई एम गोइंग टू राइट 25,000 इनटू 1 प्लस आर इज गिवन टू बी 10 ओवर 100 टू द पावर 2. 10 से 10 कैंसिल. नाउ एज इट्स अ रैशनल नंबर सो कोई स्टेप नहीं लेना विदाउट एलसीएम. ठीक है, एलसीएम के बिना तो बस घोर अंधकार है. ठीक है, बिना एलसीएम के फ्रैक्शंस को अगर डील करोगे ना तो बस, तो इट विल बी 11/10 इनटू 11/10. ठीक है, सो दीस टू जीरोस आर बीइंग कैंसिल्ड, सो इट विल बी 250 इनटू 121. तो हम इसको फटाक से यहाँ पे जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक बेटा, आई नो यू किडोज आर वेरी वेरी फास्ट इन द कैलकुलेशंस, राइट, बट चलो फटाफट से कर लेते हैं. तो इट इज यस, I am going to get, yeah, I have got, it's 30,225. 250. 250. Yes. ठीक है. अक्षता मुझे आप बताओगे और आसमा यू आर गोइंग टू टेल कि हाउ विल आई कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ. इज इट प्रिंसिपल माइनस अमाउंट और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल? यस बेटा. मैम अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. यस, इट्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो इट इज 30,250 minus 25,000. So I am going to get the compound interest as 5,250 rupees. ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे क्या आपको लगता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नो, इट्स स्टिल नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना था. तो चलिए, सो डिफरेंस किसका कैलकुलेट करना था? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. व्हाई आई हैव नॉट रिटन सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज अ नोन थिंग कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा वैल्यू में ज्यादा होता है अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और प्रिंसिपल जो है वो सेम है. ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस 5,000 मैम, तो फिर ये 25,000 नहीं, व्हाई 25,000 बेटा? हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो, तो आई एम गेटिंग द आंसर एज रुपीज 250. ठीक है, तो 250 मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके,